खरगोन जिले के मेनगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम महल बेड़ी में एक व्यक्ति ने जहर पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मौका पंचनामा बनाकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेजा। इस दौरान मृतक के परिजन ने आपसी रंजिश के चलते हत्या की आशंका जताते हुए तथा कथित लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की बात बताई है। वहीं आरोप प्रत्यारोप से घिरे मामले को लेकर पुलिस प्राथमिक तौर पर जहर पीने की बात का हवाला देकर मामले की विवेचना की बात कहते दिख रही है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। आए वो सामने वाले मारने, इसको ये वाले घर से ले गए, दूसरे घर में जाके रुका, फिर वहाँ से निकाल के उसको मारा, उसके बाद ये चले गए। चले जाने के बाद में थोड़ी देर बाद ये पुलिस में एक मैडम है, उसका नाम क्या है, सेवंती, वो गई वर्दी में गई, उसको धमकाया कि वो बोले कि देखो आज बोले कि मैं मरवाऊंगी। उसके बाद वो मैडम वहाँ से थोड़ी देर आधा घंटा उससे बच करी और वो वापस चले गए। कौन मैडम? पुलिस में एक उनके मतलब परिवार से उसी एरिया में नहीं, वो अलग है, लेकिन वो वर्दी में गई थी वहाँ पर और उसको छोरे को धमकाया उसने। तो क्या धमकी थी? क्या धमकी? सर को मरवा डालूंगी, पिछली बार तो छोड़ दिया, इस बार नहीं छोड़ेंगे। तो क्या लड़ाई पहले भी चल रही थी? पहले इनका झगड़ा था, पिछली बार इन्होंने मतलब हाथ पैर बांध के ले गए घर पर। घर ले जाने के बाद में 100 नंबर डायल करा, 100 नंबर पुलिस गई थी। उसके बाद पुलिस जाने के बाद में वो पुराना मतलब वो इनके पास फोटो वगैरह खींची हुई है, वो फोटो है इनके पास अभी भी मोबाइल में, जिसको उठा के घर पे ले गए। घर पे ले जाने के बाद में फिर उसको बांध दिया। थी कि महल बड़ी गाँव है कि एक लड़का पड़ा हुआ घर में, बोले हत्या की है उसकी। मौके पर पहुँचे, मौके से उसकी डेड बॉडी यहाँ पे लेके आए। डॉक्टर साहब द्वारा पीएम किया गया तो उनको 60 PM रिपोर्ट मांगी तो उन्होंने कारण पॉइजनिंग बताया। और परिजन जिस आधार पर बयान देंगे उस आधार पे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है? सुरेश महाले, थाना प्रभारी मेनगांव। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।